जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण की जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण कौन कौन सी राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है, व्यापारियों को क्या करना है, साथ ही गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा हो उन राशि वालों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यह ग्रहण कब प्रारंभ होगा, सूतक कब प्रारंभ होंगे, कौन सी राशियाँ इस ग्रहण में पीड़ित रहने वाली हैं, कौन सी राशियों के लिए ग्रहण भाग्यशाली रहने वाला है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यह ग्रहण शरद पूर्णमासी वाले दिन पड़ने वाला है। शरद पूर्णमासी को यह ग्रहण पड़ रहा है तो इस ग्रहण पर तीन महायोग बन रहे हैं। ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस दिन आप अंदाज लगा सकते हैं कि तीन ऐसे योग बन रहे हैं जो कि कई राशियों के लिए बेहद ही भाग्यशाली रहने वाला है। दोस्तों, यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में घटित होने वाला है। पंचांग के हिसाब से पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। यह अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में घटित होगा तो अश्विनी नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ने से कई कारोबारियों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है। नौकरी पेशा, अपना बिजनेस करते हैं, व्यापारी लोग, किसान लोग, इनके लिए ग्रहण शुभ नहीं रहेगा। यह ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देने वाला ग्रहण है। इससे पहले जो सूर्य ग्रहण था वो भारत में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन यह ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देने वाला है। दोस्तों, यह ग्रहण रात के 1:05 से प्रारंभ होगा और 28 तारीख की रात को 1:05 से प्रारंभ होगा और 29 की सुबह 2:26 तक यह ग्रहण चलने वाला है। जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा तो उस समय पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा। मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले, सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, ये राशि वाले विशेष सावधानी रखें और ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलें। साथ ही गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना होगा, पेट पर गेरू जरूर लगाएं और ग्रहण जब प्रारंभ हो तब से लेकर समाप्ति तक आपको कोई भी चीज़ जैसे फल सब्जी आदि नहीं काटने हैं, अग्नि वगैरह नहीं जलानी है, दीपक वगैरह नहीं जलाना है, खाना वगैरह नहीं पकाना है, भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, सोए नहीं, बाल ना कर आदि ना काटे, क्योंकि ये बड़ा ग्रहण है। शरद पूर्णमासी की रात को ये ग्रहण पड़ने वाला है। शरद पूर्णमासी का विशेष महत्व तो आप सभी जानते हैं। इस दिन उजाले में, चंद्रमा के उजाले में खीर रखी जाती है जिसे अमृत रूप माना जाता है। तो इस दिन ग्रहण से पहले आप खीर रख लें या ग्रहण के बाद खीर रखें और दूसरे दिन भगवान भोग लगा करके आप जरूर खाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। व्यापारी लोग रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करें और अपने व्यापार स्थल पर भी गेरू रखें और अपने गले में तुलसी का पत्ता रखें जिससे आपका व्यापार में परेशानी खड़ी ना हो और आपको भी परेशानी खड़ी ना हो। यह ग्रहण जब प्रारंभ होगा 28 तारीख को तो शाम को 4:05 पर सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। सूतक काल में मूर्ति स्पर्श करना, यानी भगवान की मंदिर के आप पर्दे लगा दें, मूर्ति स्पर्श आपको बिल्कुल नहीं करनी है। खाना खाना, नाखून काटना, तेल लगाना, झूठ बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ये सभी वर्जित माने जाते हैं, ये कार्य आपको नहीं करने हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए दुर्घटना, शरीर कष्ट और शत्रुता, यानी आप वाहन आदि इस दिन बिल्कुल ना चलाएं, आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। शत्रुओं से सावधान रहें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वृषभ राशि, धन आने के संकेत हैं और कोई चिंता आपको सता सकती है, तो किसी को पैसा नहीं देना इस दिन और कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना है आपको, विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। किसी बात को लेकर के आपको चिंता रहेगी, ओम हनुमते नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ लेकर के आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा धन का लाभ, पुत्र का लाभ आपको रहेगा। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए रोग कष्ट है, यानी चंद्रमा की राशि है, चंद्र ग्रहण है, तो कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंह राशि, संतान संबंधी चिंता, गुप्त चिंता, यानी एक तो संतान की ओर से आपको चिंता है तो वो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, इसी दिन का ध्यान रखना है, आगे आपका समय अच्छा है। साथ ही कोई गुप्त चिंता आपको सता सकती है जिसकी वजह से आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है।
बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि को शत्रुओं से सावधान रखना है, लेकिन धन और संतान का योग आपका रहेगा। ये आपका समय बेहद ही मिला जुला रहने वाला है और शुभ भी रहेगा, परेशानी भी आपको आ सकती है। तुला राशि वालों के पति पत्नी को बीच में मतभेद पैदा हो सकता है, इस दिन ध्यान रखें, कोई भी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसका परिणाम आगे अशुभ रह सकता है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोग गुप्त वह चिंता, धनुराशि वालों के लिए खर्च की अधिकता लेकिन कार्य सफल होंगे, मकर राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि और लाभ, पुत्र धन का लाभ है, नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। वही धनुराशि वालों के लिए मकर राशि और कुंभ राशि, इन वालों के लिए बहुत बड़ा शुभ योग में यह ग्रहण पड़ रहा है और आपके लिए शुभ रहने वाला है। वही मीन राशि वालों के लिए मेला जुला इसका प्रभाव रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है पांच राशियां, मेष राशि, कर्क राशि, साथ ही तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये पांच राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है, आपके लिए ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है, बाकी राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा। चार राशियां ऐसी हैं जिनके लिए तो ये बहुत ही शुभ रहने वाला है, जैसे मिथुन राशि है और साथ ही धनुराशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इनके लिए ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये ग्रहण संपूर्ण भारत में रहने वाला है, तो इसलिए ग्रहण काल में ध्यान रखें। इस दिन पूर्णमासी भी है, तो आप भगवान की सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सुबह स्नान आदि करें, स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान विष्णु के सामने बैठ करके आप दीपक जलाएं, केले का फल उनके सामने रखें, जिनको संतान चाहिए वो केले का प्रसाद इस दिन जरूर खाएं, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए व नौकरी में प्रमोशन के लिए माता के सामने कमलगट्टा, पीली कौड़ी जरूर रखें, हल्दी का टीका लगाएं, श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और उनको व्यापार स्थल पर रखें। नौकरी करने वाले एक पीली कौड़ी, एक कमलगट्टा अपनी जेब में हमेशा रखें, आपको हमेशा ही लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। सत्यनारायण भगवान की इस दिन कथा करें, क्योंकि शरद पूर्णमासी है और प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप उपाय पूछ सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद ही आपको जानकारी मिलेगी। तो कुंडली का अलग चार्ज होता है, बाकी आप उपाय करें उसका अलग चार्ज होता है, थोड़ा सा चार्ज होता है, उसको दे करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर वीडियो आपको जरूर प्राप्त होगी। तो ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, यह ग्रहण भारत में रहने वाला है, 28 तारीख की रात और 29 की सुबह यानी मध्य रात्रि में यह ग्रहण पड़ेगा, पूरे भारत में यह ग्रहण पड़ने वाला है, बाहर के देशों में भी यह ग्रहण रहेगा। और जिन राशियों की मैंने कहा है वो ध्यान रखें, महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगाएं, मंत्रों का जाप करते रहें, अग्नि वगैरह न जलाएं, और जो आपका सूखा सामान है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, कोसा डालें, दुर्वा दल डालें, जिससे वो दूषित ना हो। साथ ही ग्रहण काल में पका हुआ अनाज और कटी हुई फल सब्जियां बेकार हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखें।